हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। स्वामी महाराज, ये विष्णु बाबा ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेद और वेदांत के अभ्यासक हैं। तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मैं पल भर में ही तुम्हारा ठोंग पाखंड प्रमाणित कर दूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? बताओ। तुम अपने आप को परब्रह्म कहलवाते हो ना, तो बताओ ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? हर रोज आप सभी जिसकी भक्ति करते हैं, जिसे अपना परब्रह्म समझते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, वो ना परब्रह्म है, ना कोई योगी, ना सिद्ध पुरुष। नैनावली, जैसे द्वारकानाथ जी साईं बाबा की निंदा करते हैं, वैसे ही श्री स्वामी समर्थ जी की भी कई लोग निंदा करते थे। द्वारकानाथ जी विद्वान हैं, उसी तरह कई विद्वान बिना किसी वजह के श्री अक्कलकोट महाराज का उपहास करते थे। उनमें से एक थे विष्णु बाबा ब्रह्मचारी। महाराज विष्णु बाबा की जय। 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 समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। जरा पालकी रोको। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। ये अक्कलकोट में इतनी भीड़ क्यों है? आपको पता नहीं, साक्षात परब्रह्म अक्कलकोट में निवास कर रहे हैं। परब्रह्म? बाल के नीचे रखो। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। अपने आप को परब्रह्म कहलवाता है, अपनी आरती करवाता है, इसका ढोंग पाखंड सबके सामने लाना ही पड़ेगा मुझे। जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री मालूजी राव भोसले के साथ वेद वेदांत पर चर्चा करने के बाद विष्णु बाबा ने राजा भोसले से श्री स्वामी समर्थ महाराज की शिकायत की और अपने शिष्यों के साथ जाकर शयन गृह में सो गए। बचाओ, 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 मैं मर गया, बचाओ, 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 क्या हुआ गुरुदेव? बचाओ, 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 गुरुदेव, बचाओ, गुरुदेव, क्या हुआ गुरुदेव? आप चिल्लाए क्यों? बिच्छू, बिच्छू, बिच्छू खटाओ, बिच्छू खटाओ। कहाँ है बिच्छू गुरुदेव? देखो, चारों तरफ है, देखो मेरे सीने पर भी है, हटाओ इसे, जल्दी हटाओ। यहाँ तो एक भी बिच्छू नहीं है गुरुदेव, ना इस जाली में और ना ही आपके सीने पर। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।
स्वामी महाराज ये विष्णु बाबा ब्रह्मचारी हैं, विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, वेद और वेदांत के अभ्यासक हैं। तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मैं पल भर में ही तुम्हारा ठोंग पाखंड प्रमाणित कर दूंगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? बताओ। तुम अपने आप को परब्रह्म कहलवाते हो ना, तो बताओ ब्रह्मपदी तदाकार का क्या मतलब होता है? हर रोज आप सभी जिसकी भक्ति करते हैं, जिसे अपना परब्रह्म समझते हैं, जिसकी आरती उतारते हैं, वो ना परब्रह्म है, ना कोई योगी, ना सिद्ध पुरुष। स्वामी जी बिच्छू, रात को सपने में बिच्छू देखकर डर के मारे चिल्ला रहे थे तुम, और बातें वेद वेदांतों की करते हो। अरे खुद ढोंगी होकर दूसरे को ढोंगी कहते हो? जो खुद को बचाने के लिए दूसरों को बुलाता है वो समाज को क्या बचाएगा, उसका मार्गदर्शन कैसे करेगा, लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे करेगा? अपने आप को योगाभ्यासी कहते हो परंतु तुम योगी नहीं हो। ब्रह्म जानने के लिए तपस्या की जरूरत है, अहंकार की नहीं। जो विनम्र है वही ब्रह्म से एक रूप हो सकता है, और वही ब्रह्म पदी तदाकार का मतलब समझ सकता है। तुम्हारे जैसे मूर्ख नहीं, जाओ, जिस तरह आए थे वैसे ही लौट जाओ, जाओ। अब ये दिव्य चरण मैं कभी नहीं छोड़ूंगा स्वामी महाराज, अब ये विष्णु आपके मार्गदर्शन पर ही चलेगा, क्योंकि आप ही मेरे गुरु हैं। आपका उपहास करने का जो अक्षम्य अपराध मुझसे हुआ है, उसके लिए आप मुझे जो दंड देना चाहे दे दीजिए, मगर मुझ पर कृपा करना मत भूलिए। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री अक्कलकोट स्वामी जी ने फिर विष्णु बाबा ब्रह्मचारी को गुरुपदेश दिया और उसे लोगों में भक्ति का प्रसार करने को कहा। इसका मतलब है जो लोग स्वामी समर्थ के विरोधी थे सभी उनके भक्त बन गए। शिरडी में भी वही इतिहास दोहराया जाएगा, जो कोई साईं बाबा का विरोध कर रहा है वो साईं बाबा की प्रभुता का साक्षात्कार होते ही उनका भक्त बन जाएगा।